नाउ so स्टूडेंट्स अभी हमने बेसिक लूप देख लिये हैं कंटिन्यू का स्टेटमेंट देख लिया कंटिन्यू वेन भी देख लिया इज अ टाइम कि अब हम लोग नेस्टेड लूब के ऊपर डिस्कशन करें तो नेस्टेड लूप का रूल ये है या यू कह लें कि नेस्टेड लूप का जो कंस्ट्रक्ट है दैट इज बेसिकली लूप विद इन अ लूप अब क्योंकि हमारे पास पीएलएचक्यूल में तीन तरह के रूल हैं या तीन तरह के लूप हैं तो एनी टाइप ऑफ लूप कैन कैन बी यूज एज अ नेस्टेड लूप विद इन एनी टाइप यानी बेसिक लूप के अंदर हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं एज अ नेस्टेड टाइप वाइल्ड के अंदर हम लोग बेसिक लूप लगा सकते हैं एज अ नेस्टेड टाइप एंड सो ऑन तो नेस्टेड लूप का स्ट्रक्चर यह होता है कि एक मेन लूप होगा जिसको हम लोग आउटर लूप अमूमन कहते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग और एक वो लूप होता है जो मेन लूप के अंदर एज अ बॉडी लिखा होता है यानी बॉडी के अंदर एक और लूप लिख देते हैं हम लोग वो जो बॉडी के अंदर लूप है दैट इज अ नेस्टेड लूप और वो कोई वो किसी भी तरह का हो सकता है यानी मेन लूप अगर बेसिकली बेसिक यानी मेन लूप अगर फॉर का लूप है फॉर एग्जाम्पल तो जो बॉडी में लिखा हुआ है एज अ नेस्टेड लूप वो हो सकता है while का लूप हो एंड वाइस वर्सा तो द टाइप ऑफ द लूप उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा फर्क है एग्जीक्यूशन में ये फर्क है कि मेन लूप की एक आल्टरेशन के अगेंस्ट नेस्टेड लूप पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होता है टिल द लास्ट आइटरेशन ऑफ द सब लूप यानी मेन लूप ने अगर एक मरतबा चलना है फॉर एग्जाम्पल तो उस मेन लूप की एक आइटरेशन के अगेंस्ट जो आ, जो नेस्टेड लूप है वो पूरे का पूरा एग्जॉस्ट होगा पूरा का पूरा चलेगा यानी फॉर एग्जाम्पल नेस्टेड लूप ने फॉर एग्जाम्पल वन से लेकर टेंथ तक चलना है और मेन लूप ने बेसिकली वन से लेकर थ्री तक चलना है तो जब मेन लूप की वैल्यू होगी वन तो उस वक्त नेस्टेड लूप वन से लेकर टेन तक सारा एग्जॉस्ट होगा पूरा चलेगा तो जब नेस्टेड लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा उस वक्त मेन लूप की नेक्स्ट आल्ट्रेशन आएगी और फिर अगेन मेन लूप की नेक्स्ट आल्ट्रेशन के अगेंस्ट नेस्टेड लूप की सारी आल्ट्रेशन चलेंगी तो व्हाट वी कैन से कि अगेंस्ट वन अल्टरेशन ऑफ मेन लूप मेन लूप की एक आल्ट्रेशन के अगेंस्ट नेस्टेड लूप की सारी की सारी अल्ट्रेशन चलती है दैट इज बिहेवियर वेन एवर वी यूज नेस्टेड लूप विद इन द मेन लूप यानी जब हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे नेस्टेड लूप लिखेंगे तो दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर ये हम और यह बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेन लूप की एक आल्ट्रेशन के अगेंस्ट नेशनल लूप सारा का सारा एग्जीक्यूट ना हो जो सारे का सारे एग्जीक्यूट नहीं करवाना अगर आप चाहे तो हम उसको प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हमने कंटिन्यू लिख दिया यानी yani कोई आल्ट्रेशन हम स्किप करवा सकते हैं लेकिन उसको हम लोग एग्जीक्यूशन वाइज हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है उसको प्रोग्रामेटिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कुछ सब लूप की हम स्किप करवा दें जो हमने भी देखा है लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ कोई एग्जिट भी नहीं लिखा हुआ तो मेन लूप की एक इटरेशन के अगेंस्ट ऑल द इटरेशंस ऑफ द सब लूप विल ऑटोमेटिकली गेट एग्जीक्यूटेड चाहे लूप की वैल्यू ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है या यूं कह लें कि मेन लूप की या आउटर लूप की एक आल्ट्रेशन के अगेंस्ट सब लूप ने पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने जब तक सब लूप टर्मिनेट नहीं करेगा कंट्रोल विल नॉट गेट बैक टू द मेन लूप या आउटर लूप तो आउटर लूप एक है फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक सब लूप लगाया हुआ या एक नेस्टेड लूप लगाया हुआ हो सकता है उस नेस्टेड लूप के अंदर कोई और नेस्टेड लूप हो तो जब नेस्टेड लूप विद इन अ नेस्टेड लूप होगा तो बिहेवियर उसका वैसे ही होना है कि जो इनर मोस्ट लूप है उसकी सारी आल्ट्रेशन है चलना है और जो इनर मोस्ट के बाद जो उसका पेरेंट लूप उसका पेरेंट फॉर एग्जांपल लूप है उसकी एक आइट्रेशन होनी है तो इनर मोस्ट जो हमारा लूप है उसकी सारी आल्ट्रेशन चलेंगी अगेंस्ट द वन आइट्रेशन ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट यानी इमीडिएट पेरेंट लूप की एक आइट्रेशन के अगेंस्ट जो सब लूप है उसकी सारी की सारी आल्ट्रेशन ने एग्जीक्यूट होना है सारी की सारी आटेशन से मुराद इनर मोस्ट लूप है उसने अपनी टर्मिनेटिंग कंडीशन को अचीव करना है एक आर्टेशन में हो जाए दस आइट्रेशन में हो जाए वो लूप ने चल के खत्म होना है उसके बाद ही मेन लूप या उसका जो इमीडिएट पैरेंट लूप है उसकी नेक्स्ट आर्ट्रेशन आएगी एंड दिस होल्ड ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ नेस्टेड लूप यानी अगर चार लूप है तो जो इनर मोस्ट है वो अपने इमीडियट पेरेंट यानी फॉर एग्जाम्पल लूप नंबर थ्री के अगेंस्ट पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ वेन एवर वेन एवर वी डिसाइड टू यूज ने लूप और नेचरल लूप में हम इफ बी वैसे ही यूज कर सकते हैं जिस तरह हम लूप के बगैर करते हैं एथ स्टेटमेंट कंटिन्यू कंटिन्यू वेन यानी एसक्यूएल सिलेक्ट इन सर्ट अपडेट डिलीट सारी की सारी स्टेटमेंट हम वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली एसक्यूएल के बाकी प्रोग्रामिंग ब्लॉक में हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं तो दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ यूजिंग द नेस्टेड लूप